10,000 के अंदर एक ऐसा बवाल गिविंग फोन जिसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 और प्लस उसके अंदर तुम्हें 60 FPS भी इनेबल मिलेगा भाई। 69 मैं भी करूंगा। अरे हफ्सी संचन, मैं FPS की बात कर रहा हूँ। हाँ वो भी कह सकते हैं। अरे वही कहते हैं बुद्धू। लेकिन रावण तो हमें कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा ना, 10,000 के अंदर इतनी सारी अच्छी चीजें कैसे मिल सकती हैं? अरे भाई बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, लाइक लिटरली ऐसी वीडियो तुमको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली जो तुमको 10,000 के अंदर ऐसा खतरनाक प्रोसेसर बता दे और ऐसा मतलब जिसके अंदर स्टेबल 60 FPS चले। तो अगर तुम गेमिंग के लिए सोच रहे हो ना भाई मुझे 10,000 में एक अच्छा गेमिंग फोन चाहिए, तो भाई ये वीडियो तुमको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। ये वीडियो देख लो, तुम्हारा 10,000 का एक अच्छा पैसा वसूल वाला फोन बताऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स क्या हाल चाल यार। अब देखो इससे पहले मैं तुम्हें इस फोन के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं तुम सभी से कुछ दो चीजें शेयर करना चाहता हूं। पहला थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। काफी सारे मेरे भाइयों के रिक्वेस्ट आए थे कि भाई यार 10,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग फोन बता दो। तो मैंने भाई लगातार, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कई दिनों से मैं सोचे जा रहा था बैठ के कि भाई 10,000 के अंदर कैसे कोई ऐसा फोन बता दूं इनको जिसके अंदर सारी चीजें मिल जाए, तगड़ी गेमिंग भी हो जाए है ना, अच्छा FPS भी दे दे और मतलब ठीक ठाक कैमरा भी मिल जाए, ठीक ठाक बैटरी बैकअप मिल जाए। लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ऐसा कोई फोन मिला ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में आज की डेट में ऐसा कोई फोन अवेलेबल है ही नहीं जो 10,000 के अंदर अच्छा करके दे दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो मैं फोन बताने वाला हूं वो मतलब मैं तुम लोगों को झूठ बोलने वाला, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक्चुअल में ऐसा फोन बताऊंगा, क्योंकि भाई तुम लोगों की वजह से ही ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया इस वीडियो को रिसर्च करते समय, जब मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मुझे एक ऐसा फोन मिला जो एक हिडन जेम था, जो एक टाइम में ऐसा मतलब अभी भी अच्छा चल रहा है, मतलब एक टाइम मान के चलो उस टाइम पे मैं जब अभी मैं जैसे कॉलेज कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं है ना, उस टाइम पे मैं 7th में था, लिटरली 7th या 8th क्लास में था। और मतलब ये वो फोन है जिसने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बनाया है आज के टाइम में। तुमको जितने भी यूट्यूबर्स दिखते हैं ना, मिलियन में है ना बैठे हैं, जो भी मिलियन में है ना, जिनके मिलियन में है, लाखों में सब्सक्राइबर्स है, एक टाइम में इसी फोन ने उन लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया था। उनकी शुरुआत भी इसी फोन से हुई थी और काफी हद तक इस फोन से मेरी भी एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि इस फोन ने भी मुझे एक टाइम पे काफी मतलब गेमिंग से इंट्रोड्यूस इसी ने कराया था, इसी फोन ने कराया था। और मतलब तुम समझ रहे हो मैं कितना इमोशनल और कितना खुश हूं भाई, सच बता रहा हूं। मैं ये वीडियो बनाते समय इतना इमोशनल हूं ना, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग तक जाने वाली है, कितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो इस वक्त, बैठ कर देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, सो के देख रहे हो। मेरा तुम सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, देखो अगर तुमको तुम्हारा बजट एकदम टाइट है ना कि भाई मुझे 10,000 में ही लेना है, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई लोग रहते हैं वो मतलब एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि भाई 10,000 मिल गए ठीक है, मतलब काफी लोग जॉब करते हैं ना उसमें से पैसा बचाते हैं, काफी लोग स्कूल जाते हैं ना, कुछ लोग तो नाश्ता, मैंने तो सुना है कि कुछ लोग नाश्ता तक नहीं खाते हैं भाई अपना पैसे बचाते हैं कि भाई नहीं अच्छा फोन लेना है ना, स्कूल वगैरह करते हैं, कॉलेज वगैरह करते हैं, उन लोगों को चाहिए होता है। तो ये एक ऐसा फोन होने वाला है जो बजट में आने वाला फोन होने वाला है, और ऐसा फोन तुम लोगों को बताऊंगा ना जिसके बारे में किसी यूट्यूबर ने तुमको अभी तक बताया नहीं होगा, क्योंकि भाई वो सब नए नए यूट्यूबर से मतलब बच्चे हैं वो लोग मेरे सामने। तुम्हारा भाई बहुत पुराना खिलाड़ी है इसमें ना, मुझे ही पता है, मैं भी भूल गया था, मैं सच बता रहा हूं। बट मुझे अचानक से याद आया कि भाई ये फोन तो एग्जिस्ट करता है भाई, उनको याद क्यों नहीं आया। और भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं एंड इसलिए मैं तुम लोगों को थैंक यू कह रहा था। खैर मेक श्योर एंड तक देखना, अगर तुम्हारा बजट 10,000 में है और एक तगड़ी गेमिंग चाहते हो ना भाई कि तगड़ी गेमिंग 10,000 के अंदर दे दे, तो इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब देखो पहले मैं फोन का नाम नहीं बताऊंगा, पहले फोन के स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा कि फोन मतलब क्या क्या चीजें मिलती है, माल मसाला है ना सारी चीजें, वीडियो लोग है ना, वो सारी चीजें बताने के बाद फोन का नाम बताऊंगा, डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो मेक श्योर एंड तक देखते रहना। फिर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की, बोले तो माल मसाला क्या मिलता है वीडियो, क्योंकि 10,000 तो भाई एक ऐसी चीज है भाई जिसके अंदर चीजें अच्छी मिलती नहीं है, बट भाई इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी मिलती है। खैर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, बोले तो इसके अंदर कितना तुम्हें मतलब क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, तो बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी बैकअप, ठीक है, वो भी सिर्फ 10,000 के अंदर। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो वो है 6.18 inches का IPS डिस्प्ले है। अभी काफी लोगों को लग रहा होगा भाई ये कौन सा डिस्प्ले है भाई, हमने सुपर एमलेट देखा है, HD देखा है, IPS मतलब ये कौन सा फोन है भाई, है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। स्किप करें बिना, बस देखते रहो भाई, बहुत खतरनाक फोन है ये। अगर बात करें इस फोन के कैमरा की,
आई नो काफी लोग बोलते भाई कैमरा कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, 10,000 के अंदर कैसा कैमरा मिल रहा है ये भी तो जान लो बिड़ लोग, कैसा मिल रहा है ना, फोटो वोटो तो कभी थोड़ा बहुत तो चाहिए पड़ता है ना। खैर बात करें इसके, जो इसका मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। आई नो तुम लोगों को लग रहा होगा 12 मेगापिक्सल का कैमरा, अरे भाई 10,000 के अंदर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो जिसके अंदर इतना खतरनाक प्रोसेसर होगा वो कैमरा पे, मतलब समझ रहे हो, ये बहुत ऐसा फोन है ना, ये फोन एक टाइम पे बवाल हुआ करता था और आज के टाइम में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खैर मैं आगे बताऊंगा। अब बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो वो है 20 मेगापिक्सल का। और देखो आज के टाइम में ना कोई भी, बहुत ही कम ऐसे फोन होंगे जो 10,000 के अंदर तुमको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे दे, मतलब इवन 20,000 के 15,000 के जो फोन रहते हैं के अंदर भी 16 मेगापिक्सल ही मिलता होगा। आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई मुझे 16 मेगापिक्सल बहुत बार दिखा, लेकिन 10,000 के अंदर, मतलब 10,000 के अंदर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाए, इल्ले भाई बहुत ही मुश्किल है। अब बात करें भाई इसके अंदर कौन सा तुम्हें प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये कितना फोन FPS सपोर्ट करेगा, वो बताने से पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए आ रहे हो तो मेरा तुम सभी भाइयों और बहनों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे ही गेमिंग फोन्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और तुमको इंटरेस्ट है भाई, मजा आता है मेरी वीडियोस देखने में, तो नए आ रहे हो तो भाई ठोक लो भाई सब्सक्राइब, ठीक है। मैं खो से जाता हूं भाई, लोग भूल जाते हैं, है ना, एक बार वीडियो देखी भूल गए, मिला नहीं मैं, है ना, सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम आते जाते रहो और ऐसे अमेजिंग चीजें तुम्हें सिर्फ मैं ही बता सकता हूं, कोई और नहीं बता सकता क्योंकि मैं दिन भर दिमाग लगाता हूँ भाई इस चीज़ के बारे में। और मतलब कर देना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पर कर देना, और अगर तुम लोगों को मेरे से कुछ भी पूछना है बोले तो पर्सनल टॉक, वैसा पर्सनल नहीं, मतलब कुछ किसी फोन के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर मैं अब वापस पॉइंट पर आता हूं। अब बात करें कि इसके अंदर तुम्हें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा भाई बोलता है वही तुम्हें सामने लाकर दिखाता है, मतलब जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं, सॉरी फिल्मी हो गया थोड़ा सा। देखो हाँ, इसके अंदर तुम्हें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मिलता है इसके अंदर। अब तुम लोग दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो भाई तू कितना FPS कितना देगा भाई, FPS कितना देगा भाई, 10,000 के अंदर इतना खतरनाक फोन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं भी इस फोन को बहुत पहले भूल चुका था, मुझे याद ही नहीं था कि भाई ऐसा फोन भी एक्चुअल में है आज के टाइम में। मतलब इसके अंदर तुम्हें जो FPS देखने को मिलेगा वो है 60 FPS। हाँ ये फोन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, समझ रहे हो, 10,000 के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम कॉन्स्टेंट 60 FPS सपोर्ट करता है। एंड इस फोन के अंदर जायरो वगैरह भी काफी अच्छा चलता है, ठीक है, काफी अच्छा तुम्हारा गेमिंग करके दे देगा अगर तुम पबजी भी जिमाई खेलते हो तो। बट अभी तुम लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इस फोन का नाम क्या है और इस फोन का प्राइस कितना है, तो प्राइस और नाम दोनों चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और स्पेशली लॉन्डो को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग नए आ रहे हैं जो लोग पुराने उनको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि मैं भाइयों बहनों इसलिए बोलता हूँ कि अपने चैनल पे ऑलमोस्ट 10% की फीमेल ऑडियंस है। हाँ लड़कियां भी मेरी वीडियो देखती हैं, मतलब अपनी वीडियो, हम सबकी वीडियो देखती हैं, समझ रहे हो। खैर वो सब तो मेरी दीदियां ही हैं, तो मैं तुम लोगों को यही चीज के बताना चाह रहा था। काफी लोग बोलते हैं भाई ये भाइयों और बहनों क्यों बोलता है, बहनों कहां से तेरे चैनल पे फीमेल लोग कहां आते आते हैं भाई, मैसेज भी करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, ये फोन बता दो वो फोन बता दो, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो ना तो कमेंट में ना जी 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 लिख देना, मतलब सिर्फ जी लिखकर कमेंट कर देना। अब तुम लोग बोलोगे जी लिखकर कमेंट क्यों करें, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, वो लोग सोचेंगे कि भाई ये लोग जी क्यों लिख रहे हैं, मतलब एक तरीके से कॉमेडी करते हैं भाई, बाकी सब लोग को समझ में आएगा नहीं कि ये लोग जी क्यों लिख रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी आपस की बात होगी, और हो सकता है कुछ लोग तुम्हें कमेंट करके पूछे, तभी मत बताना कि तुमने जी क्यों लिखा है। तो जल्दी जल्दी जी का कमेंट कर दो। खैर बात करें अब इस फोन का नाम क्या है। अब आई नो कि काफी लोग थोड़े बहुत लोग मेरे पे गुस्सा भी होने वाले हैं, बट क्या करें भाई, देखो जो है सो है, इस फोन का नाम है Poco F1। हाँ Poco F1, ये ऑलमोस्ट 5 साल पुराना फोन है, बट ब्रो अभी भी इतना अच्छा चलता है ना। अभी आई नो काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा भाई इस फोन का प्राइस क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा और तुमको इस फोन को कहां से खरीदना है जिससे तुमको सस्ता पड़े और सस्ता पड़े वो भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्लियर कर दूं कि भाई ये फोन काफी पुराना है, लाइक ऐसे टाइम पे ये फोन रिलीज हुआ था जब बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स मतलब एंटर हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े जिनका अभी आज के डेट में मिलियन में है, और मैं भी इस टाइम पे इसी फोन को यूज करता था, मेरे मतलब मामा जी जो है उनके पास था Poco F1
फन एंड पहली बार जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा एक्सपीरियंस जो मिला था ना, लाइक एक टाइम पे मतलब वो ही कुछ 2019 में वो इसी फ़ोन ने मुझे अच्छा दिया था, क्योंकि मेरे पास खुद एक 3GB रैम वाला फ़ोन था। तो इस फ़ोन में खेलने के बाद ही मुझे पता चला कि अच्छे गेमिंग फ़ोन्स भी होते हैं। तो इस फ़ोन से बहुत ही पुराने मेमोरीज मेरे जुड़े हुए हैं, यही तुम लोगों को बताना था। तो ये एक बहुत ही बवाल एंड मतलब है ना ऐसा फ़ोन है जो बहुत ही कम अवेलेबल रहता है और आज के टाइम में ये अवेलेबल है। अब बात करें इस फोन का प्राइस कितना है, तो भाई ये फोन तुमको देखने को मिलेगा 12,000 का। एंड आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई तुमने तो 10,000 बोला था, तो भाई इस फोन का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गिर जाता है 10,000-9,000 पे, 10,000 तो मैक्स चल जाता है 10,000 पे, है ना। तो मैंने इस फोन का जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर तुम मेरे लिंक से जाकर खरीदते हो तो तुमको वही 12,000 का ही होगा, लेकिन बैंक ऑफर अगर ये सब चीजें लगाते तो आराम से 10,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम लोग का बजट एकदम टाइट है भाई, 10,000 में एक अच्छा गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है। तो अगर तुम्हें लेना है और एकदम टाइट बजट के भाई 10,000 में अच्छा फोन लेना है तो इसको जाकर ले सकते हो, बाकी तुम्हें अगर नहीं लेना है तो तुम्हारी मर्जी। बट मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि भाई ये 10,000 में एक बहुत ही अच्छा फोन है, बट हाँ पुराना हो चुका है, झूठ नहीं बोलूंगा पुराना हो चुका है, 5G सपोर्ट नहीं करेगा, एंड्रॉयड 10 पे आएगा, तो वो सब चीजें तुम देख लो। अगर सिर्फ गेमिंग के लिए लेना है तो ले सकते हो, 60 FPS काफी अच्छा निकाल के देगा। और तुम लोग को बता ही दिया इसका बेस्ट बाइंग लिंक तुमको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो क्लिक करो और जाकर खरीदो। रुको रुको भाग कर रहे हो भाई, वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, अभी तुम में से बहुत सारे मेरे भाई लोग कमेंट करेंगे एंड बहन लोग भी कमेंट करेंगे कि भाई अब मेरा बजट 10,000 नहीं है, मेरा बजट ज्यादा है, ठीक है मेरे को 20,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग फोन चाहिए, तुम वो बता दो। तो भाई मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, एक खतरनाक 20,000 के अंदर आने वाला स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला गेमिंग फोन मैंने बताया है। और अगर तुम लोग ढूंढ रहे हो ना 20,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग फोन, तो ये वीडियो जरूर देखना, जिस वीडियो का लिंक सामने ही आ रहा होगा, क्लिक करो और अभी देखो। मैं मिलूंगा तुम्हें सामने वाली वीडियो में।